करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, क्लास 11th तो नहीं लेकिन 12th हो, उसके आगे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए जहां पर आप सिंपली डेरिवेशन नहीं कर सकते वहां इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। खैर स्टार्टअप करते हैं। क्या है कि जैसे आप इस रूल के बारे में अगर जाने कि क्या चीज़ है ये, तो सिंपल सी बात है, गॉस जैसे होता था, गॉस की थ्योरम, स्थिर वैद्युतकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप क्या चीज़ कहते थे, किसी को याद है? अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका कहना था कि टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होता है। याद है किसी को? अगर चार्ज किसी एक शेप से पूरा घिरा हुआ है, इसको आप गाउसियन सरफेस कहते थे, गाउसियन पृष्ठ, ये गाउसियन पृष्ठ था, पृष्ठ मतलब एकदम डब्बा। अगर कोई चार्ज किसी गाउसियन सरफेस से घिरा हुआ है तो उस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता था, वो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स चार्ज और निर्वात की वैद्युतशीलता के निष्पत्ति के बराबर था। या फिर इनके बारे में आप क्या लिख सकते थे, और भी कुछ लिख सकते थे, फाई को आप कैसे लिखते थे, आप लिखते थे ई इंटू डी ए, या ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये लिखते थे आप, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक सबको याद होगा। ये है क्या चीज, स्थिर वैद्युतकी में क्या कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का ये क्षेत्रीय समाकल है, क्षेत्रीय क्या समाकल, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, उस क्लोज्ड सरफेस द्वारा बाउंड चार्ज एंड वैक्यूम की इलेक्ट्रोपरमिटिविटी की रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एरियल इंटीग्रेशन, एरियल इंटीग्रल, क्षेत्रीय समाकल, क्षेत्रीय समाकल, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश एवं निर्वात की वैद्युतशीलता के निष्पत्ति के बराबर होता है। सेम इसी तरीके से एम्पियर का परिपथीय नियम है, लेकिन अब चूंकि ये स्थिर वैद्युतकी में है, और वो किस में है बेटा, वो वैद्युत धारा में है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में, कौन, एम्पियर का परिपथीय नियम। अब मूविंग चार्ज है चूंकि करंट, तो मूविंग चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर। अब ये क्षेत्रीय समाकल नहीं होगा उसमें, उसमें रेखीय समाकल होगा। रेखीय समाकल क्यों, यहां चार्ज को तुम एक डिब्बे से बंद कर देते हो, डिब्बे का क्षेत्रफल होता है, जैसे टिफिन के अंदर चार्ज को रख दो, लेकिन यहां पर क्या करते हैं, ऐसे एक तार है, इसमें करंट जाता है, करंट, तो एक धागा ऐसे, जैसे पीपल के वृक्ष के चारों ओर, वट वृक्ष की जब पूजा होती है औरतें करती हैं, वट सावित्री की, तो एक धागा लपेट देती है पीपल के चारों ओर, ब्लैक कलर का या किसी भी कलर का, अक्सर आप देखे होंगे, जैसे आप कलाई में एक धागा लपेट लीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से मैं एक एक कलावा बांध देता हूं एक तार के, जिसमें धारा जा रही है, करंट जा रहा हो, एक कलावा बांध दिया, तो ये कलावा जो है क्या करेगा, इस कलावे की छोटी सी लंबाई ले लें, जैसे इसका छोटा सा एरिया लिया था आपने डीए, तो क्षेत्रीय समाकल किया था, वैसे छोटी सी लंबाई ले लें डीएल, छोटी सी लंबाई ले लें, जैसे मेरी अंगुली है, इसको अंगूठी ने चारों तरफ से क्या कर रखा है, घेर रखा है, तो इस अंगूठी का एक थोड़ा सा टुकड़ा ले लें, छोटी सी लंबाई, वो डीएल है, जिसने अब ऐसे डीएल 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 पूरा तार जो है ऐसे, मतलब क्या कहा कि डीएल 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 ऐसे जोड़ 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 के पूरा तार उसी से घिर गया है, डीएल 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 जोड़ करके। तो कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ ए नहीं लेंगे, छोटी सी वही लंबैया लेंगे, उस लंबैया को बोलेंगे रेखीय, जैसे क्षेत्रीय समाकल कहते थे, अब रेखीय समाकल कहोगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, उस पथ द्वारा, ये जो पूरा पथ है, पूरा पथ, इस पथ द्वारा घिरी हुई धारा, जैसे यहां पर चार्ज था, घिरी हुई धारा और चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है, वहां रेशियो हुआ करता था, चार्ज जो घिरा होता था और निर्वात की वैद्युतशीलता, वैसे यहां पर करंट जो इस बंद पथ से घिरी हुई है, करंट इस तार में जो बह रहा है वही तो घिरा है, मेरी अंगुली में जो करंट बहेगा वही तो इस अंगूठी से घिरा होगा, तो करंट निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। यही है बेटा, इसी को आपको सिद्ध भी करना है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी है सिलेबस में, ठीक है। इस प्रकार स्थिर वैद्युतकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक गॉस की थ्योरम है, बिल्कुल वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में, चुंबकत्व में एम्पियर का परिपथीय नियम है, सर्किट लॉ है एम्पियर का। अब है क्या चीज़ इसमें, थ्योरम तो मैंने आपको बताई दी, क्या है थ्योरम ही कह दीजिए एक तरीके से, या फिर बहुत लोग इसको स्टेटमेंट बोल देते हैं, अब जिसकी जो इच्छा वो बोले, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, जो किताब में लिखा हुआ बोलूँगा, ठीक है ना। तो कहते क्या चीज़ है, सिंपल सी, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश
चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी क्लोज्ड सर्किट के बाउंड्री के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रल। जैसे कि एक कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है, इसको क्लोज्ड सर्किट से पैक कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन, मान लीजिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आप निकालने चल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मान लीजिए यहां या यहां पर, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आपको पता ही है अंगूठा करंट की दिशा और अंगुली उस बिंदु की ओर संकेत करे जहां फील्ड निकालना है, तो कहां की ओर, अंदर की ओर धक्का देने की दिशा में। तो क्या कहते हैं मतलब एक कथन क्या बना, स्टेटमेंट क्या बना जो मैंने अभी आपको बोला, तो है किसी बंद परिपथ, किसी बंद परिपथ की ये सीमा है, ये बाउंड्री है, इसके अनुदिश रेखीय समाकल, अनुदिश मैग्नेटिक फील्ड का, इसी के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का रेखीय समाकल, लीनियर इंटीग्रल। तो एक छोटा सा पार्ट ले लो उसका, ये dl। तो रेखीय समाकल का मतलब बी वेक्टर का dl से मल्टी करके इंटीग्रेशन, लीनियर इंटीग्रेशन dl वेक्टर करके बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर करके फिर इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि भैया इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और dl, फिर क्या हुआ अगले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड dl, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और dl। कह रखा है उस बंद पथ से जो धारा घिरी हुई है करंट और मैग्नेटिक परमिटिविटी के मल्टीपल का क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज समझ गए आप पूरा स्टेटमेंट में। देखो इसको, ये लूप ही है, अगर इसके अंदर से एक तार डाल दें उस पर निकल जाए, तो यही वो पथ है जिससे वो तार जो जाएगा, इस तार में करंट भी जाएगा, ये पथ ने घेर रखा है इस तार को। अब आप कहीं पर भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, कहीं पर भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, किस रूल से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, दैट वाज फाइंड आउट बाय द राइट हैंड पाम, विच रूल, फर्स्ट रूल, दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर एक से, ठीक है, जो मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसको प्रूफ करना है, इसकी उपपत्ति इस स्टेटमेंट की कैसे करेंगे, बहुत इजी है। ये एक लंबा सा तार है एक्स वाई, इसमें करंट ऊपर जा रही है, इसको मैंने एक सर्किल से क्या कर दिया, इसके चारों तरफ सर्किल बना दिया, तार के चारों तरफ क्या बना दिया बेटा, सर्किल बना दिया। और मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट की, इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस कितना है, आर है, और इसी आर रेडियस, इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं अंदर की ओर है, ठीक है। मैंने एक सर्किल बना दिया जो इस पॉइंट से होकर जाए, और आपको पता है इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पर जो स्पर्शी होगा टेंजेंट, उसी डायरेक्शन में होगा, और वही डायरेक्शन डीएल का भी होगा। ये इसके इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इस पर जो टेंजेंट खींचोगे उधर ही होगा, और वही डायरेक्शन किसका भी होगा, डीएल का भी होगा। अब जो बुद्धिमान है, जो पढ़ता है, जिसको फिजिक्स समझ में आती है, जो दांव पेच को समझता है फिजिक्स के, फिजिक्स एक जंग है, वो इस बात को समझेगा, और जो नहीं समझता उसके लिए फिजिक्स नहीं बनी है, वो गेम खेल ले, स्पोर्ट खेल ले, ठीक है ना, या कुछ और कर ले, नाच गा ले, एक्टर हो जाए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हर कोई फिजिक्स की दांव पेच को समझे, सबका कैरियर फिजिक्स में नहीं है, ठीक है ना। जो आपको समझ में आए उस सब्जेक्ट को पढ़िए, लेकिन फिजिक्स में दांव पेच है। कोई सोचे कि मैं 100% तुम्हारे माइंड में पूरी फिजिक्स उतार दूं, या किताब का 1-1% तुम्हारे समझ में आ जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि हर सब्जेक्ट सबके लिए नहीं है। मुझे बायोलॉजी नहीं आती, ऐसे फिजिक्स पढ़ना अलग चीज है, लेकिन हर शब्द को समझना फिजिक्स के, वो बिल्कुल अलग बात है। हर चीज का मीनिंग समझना वो अलग बात है, हर चीज पर सेंस काम करे वो अलग चीज है। भागिए मत, पल्ले नहीं पड़ेगा, तुम्हारा ब्रेन उसके लिए बना होगा तभी पल्ले पड़ेगा, लेकिन आम तौर पर सामान्य पढ़ाई सबको करनी है, और सामान्य पढ़ाई ही 70-80-90 नंबर आपको दिलाता है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा जो ब्रिलियंटनेस की पढ़ाई होती है, जो मोर एम्पावरमेंट की पढ़ाई होती है, वो आपको उस सब्जेक्ट का मास्टर बनाता है। तो हर कोई किसी सब्जेक्ट का मास्टर नहीं हो सकता, इसमें दुखी होने की बात नहीं है। आम पढ़ाई से हर बच्चा 90 नंबर 95 नंबर लाता है, ठीक है। तो इस बात को जिसको समझ में आ रही है वो समझे, जिसको नहीं समझ में आ रही है वो ना समझे, उलट डालेगा। चलिए, तो फिर से कह रहा हूं, डीएल का डायरेक्शन वही होगा जो टेंजेंट का होगा, और वही डायरेक्शन करंट का भी होगा। तो अब आप प्रश्न को समझिए कि भैया इस पूरे कंडक्टर पर
सॉरी इस पूरे किस पर पाथ पर, इस पूरे पूरे बंद पथ पर, किसी भी पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो राइट हैंड का, राइट हैंड पाम का कौन सा रूल, सेकंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी राइट हैंड पाम का फर्स्ट रूल, सेकंड रूल है फर्स्ट रूल, तो आप बी वेक्टर का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन, और वही डायरेक्शन जो बी वेक्टर का होगा वही डीएल वेक्टर का भी होगा, इस छोटा सा खंड, ठीक है। और हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, एट एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम। और वो कितना होगा, मैंने निकलवाया है कि अगर एक सीधा तार हो, सीधा तार इसमें करंट कितना जा रहा हो, आई जा रहा हो, तो इतने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकलवाया है म्यू जीरो अपान कितना, फोर पाई टू आई अपान क्या, आर। अगर ये लंबा है तो, अगर ये तार लंबा है, ये वायर अगर खूब लंबा है तो म्यू जीरो अपान फोर पाई टू आई अपान आर। आप चाहें तो कुछ लोग कुछ किताबों में ऐसे भी लिख देता है काट करके, म्यू जीरो आई अपान टू पाई आर, ये आ जाएगा बी बराबर। तो क्या देखा आपने कि हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर आपको पता है इस चीज को, इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अकाउंट क्या होगा, सेम होगा, बी इज इक्वल टू एट एवरी पॉइंट, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपान टू पाई आर। अब अगली चीज क्या आपसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि भैया मुझे इसको प्रूव करना है, एल एच एस बराबर क्या आर एच एस, तो मैं एल एच एस से आर एच एस लेकर आऊंगा, ये स्टेटमेंट है ना, तो एल एच एस से किसको लेकर आऊंगा, आर एच एस को। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसको प्रूव कैसे कहते हैं, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल, लीनियर इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड और छोटा सा हिस्सा डीएल उससे मल्टी करा करके लीनियर इंटीग्रल कर दिए, भैया इंटीग्रेशन बी डीएल कास कितना डिग्री, जीरो डिग्री, मैंने आपसे कहा दोनों सेम पॉइंट पर है, मैं आपको समझाया, बहुत समझाया, आप जो नहीं समझा उसका मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। बी को कौन, बी चूंकि सब पॉइंट पर सेम है, बी इसके सभी पॉइंट पर सेम है, बी को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन का बेटा डीएल और बी, और डीएल का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा एल, और सबको पता है एल क्या चीज है, सबको पता है बी तो रखी दो म्यू जीरो आई अपान टू पाई आर, और सबको पता है एल क्या है, इसका क्या सर्कमफेरेंस है, परिधीय वृत्त की टू पाई आर। अगर आप हल्का सा भी ध्यान दें क्या कर जाएगा, टू पाई से टू पाई कर जाएगा, आर से आर कर जाएगा, यानी क्या बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का लीनियर इंटीग्रल, मतलब बी वेक्टर का लीनियर इंटीग्रल म्यू जीरो इंटू क्या होगा आई, मतलब घिरी हुई नेट धारा, सराउंडेड ठीक है ना, बाउंडेड अराउंडेड नेट करंट इज प्रोडक्ट, या फिर जो करंट है बेटा वो म्यू जीरो गुनी होती है, ठीक है ना, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रल करंट और म्यू जीरो चुंबकशीलता की गुणनफल की क्या होता है, बराबर होता है, ये आपको प्रूफ हो गया एल एच एस टू क्या है आर एच एस। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, वन बाय वन करके देख लेंगे।